अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? आशा नहीं आया क्या? तुम दोनों को तो डिनर पर जाना था ना। आशर के साथ बाहर जाना मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे कहीं लेके ही नहीं जाना चाहता। क्यों क्यों नहीं लेके जा रहा डिनर पे? आज फिर उसके सर में दर्द है, कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यूं कहो ना कि तबीयत खराब है उसकी। कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं है, बस बहाने बना रही है। मुझे बाहर ना लेके जाने के लिए बस टाल ही रहे। मैं आपको बता रही हूँ, ये रेहाम ना बहुत तेज हो गई है, ये मेरे और आशिर के बीच में आ जाएगी। अरे नहीं बेटा, उस दो टक्के की लड़की में इतनी जुर्रत कहाँ कि वो तुम्हारे और आशिर के बीच में। जुर्रत आ गई है उसमें, जाके देखें कितना इत्मीनान है उसके चेहरे पे, वो मुस्कुराहट जाके देखें बाहर। अच्छा मैं अभी जाकर उस मनुज की जान निकालती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम इसके पास रहो, मैं देखता हूँ आशिर को। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन ये रेहाम आशिर को मुझसे छीन के ले जाएगी। या मेरे खुदाया, ये कैसी बातें अपने मुंह से निकालती रहती हो? तुम्हें कितनी दफा समझाया, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है।